We will be talking about different concepts regarding hearing impairment. तो बहुत सारी vocabulary prevail करती है literature के अंदर जिसको कि आपको समझने की ज़रूरत है. The first thing is hearing impairment, which is a disordered hearing. Hearing के अंदर कोई fluctuation है, कोई ख़राबी है, we call it hearing impairment. बाज़ औक़ात इसको hearing sensitivity loss लिखा जाता है. और sensitivity से मुराद के आप उन thresholds का ज़िक्र करते हैं जो कि एक इंसान जो है वो सुन पाता है, या उसकी hearing range है जो कि mild to profound है. There are 5 different sensitivity regions जिनको हम mention करते हैं, जो जिनके अंदर mild, moderate, severe और profound और ultimately deafness है. Deafness is a non-functional hearing. ये ऐसी hearing है which is non-functional. और ये legislative measures के लिए है कि बाज़ औक़ात हमें किसी को deaf declare करना पड़ता है, because वो अपनी hearing से किसी भी सूरत में फ़ायदा नहीं उठा पा रहा. और उसका impact इस कदर है कि ordinary amplification system उसकी मदद नहीं करता. हार्ड ऑफ हेयरिंग से मुराद ये है कि एक ऐसा शख्स जो ज़रा दुश्वारी महसूस करता है वो सुनते हुए, और उसके पास रेजिडुअल हेयरिंग है. रेजिडुअल से मुराद कि कुछ ना कुछ उसकी हेयरिंग जो है वो अभी है जिसका कि वो फ़ायदा उठा सकता है. बहरहाल ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू हेयर. मिनिमल हेयरिंग लॉस से मुराद है कि हेयरिंग लॉस तो है लेकिन डिस्टिंक्ट आवाज़ें, दूर की आवाज़ों को वो इतना क्लैरिटी के साथ नहीं सुन सकता. सामने कुछ जो कुछ हो रहा है उसको वो ईज़िली अंडरस्टैंड भी करता है, रिकग्नाइज भी करता है. और उसके अलावा एक डेफ कल्चर का ज़िक्र किया गया. डेफ कल्चर से मुराद क्या है? डेफ कल्चर से मुराद है कि एक बच्चा जो है या एक इंडिविजुअल जो है वो अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहता है एज अ डेफ पर्सन, और वो उसकी ख्वाहिश है कि उसको डेफ कल्चर के तौर पर आइडेंटिफाई किया जाए. यानी कि ही वुड लाइक नॉट टू स्पीक, नॉट टू लिसन, बल्कि वो चाहता है कि मैं इसी तरीके से जैसे अपनी हेयरिंग एबिलिटीज़ हैं उन्हीं को सामने लेकर, साथ लेकर चलूँ. और वो एक डेफ लोगों के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है. कान की एनाटमी के बारे में हमने आपसे ज़िक्र किया था, आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर. बहरहाल ये किसी और लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. बहरहाल दिस इज़ अ वेरी गुड डायग्राम. आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया. तो आउटर ईयर भी नज़र आ रहा है इसमें, मिडल ईयर भी है और इनर ईयर भी है. बहरहाल वी विल बी डिस्कसिंग इट अगेन. हेयरिंग एड की क्लास, हेयरिंग लॉस की जो क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करती है कि कान के किस रीजन के अंदर जो है वो प्रॉब्लम है. फॉर एग्जांपल, इफ़ द प्रॉब्लम इज़ इन द आउटर और मिडल ईयर तो हम इसको कहते हैं कंडक्टिव हेयरिंग लॉस. आउटर या मिडल ईयर के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको कहेंगे कि दिस इज़ अ कंडक्टिव हेयरिंग लॉस. सेंसिन्यूरल से मुराद है कि द प्रॉब्लम इज़ इन द कॉकलिया या इनर ईयर के अंदर कोई प्रॉब्लम है या ऑडिटरी नर्व के अंदर प्रॉब्लम है. मिक्स्ड हेयरिंग लॉस से मुराद ये है कि कंडक्टिव और सेंसिन्यूरल लॉस दोनों जो है वो सेंसिन्यूरल हेयरिंग लॉस जो है वो उसमें इंटरफेयर करता है. सेंट्रल हेयरिंग लॉस से मुराद ये है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम है और देयर इज़ सम डिसफंक्शन ऑफ द ब्रेन एज वेल. इसके अलावा ऑडिटरी न्यूरोपैथी से मुराद ये है कि न्यूरल फंक्शनिंग, द वे द न्यूरॉन्स रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस, देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन दैट और न्यूरोपैथी और वो उसको सुन नहीं पा रहा. सभी कुछ ठीक है, आउटर भी ठीक है, मिडल भी ठीक है, इनर ईयर भी ठीक है, इवन द क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयरिंग, वेस्टिबुलर कॉकलियर नर्व, वो भी ठीक है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि न्यूरोपैथी हो गई और अब वो उस साउंड को अपने साथ रिलेट नहीं कर पा रहा. इसके अलावा कुछ फंक्शंस और नॉन ऑर्गेनिक हेयरिंग लॉसेस हैं. फॉर एग्जांपल, कुछ हेयरिंग लॉसेस ऐसे हैं जो कि आम तरीके से टेस्ट नहीं किए जा सकते. फॉर एग्जांपल, इसमें अगर हम आपको एग्जांपल दें, फंक्शन से मुराद ये है कि हेयरिंग इज़ इंटैक्ट, हेयरिंग आपकी ठीक है, लेकिन फॉर सम रीजंस द पर्सन कैन नॉट हीयर. अब इसके अंदर कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस आ सकते हैं, कुछ मलिंगरिंग आ सकती है. मलिंगरिंग समझ लीजिए कि एक
झूठ है, धोखादही है कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही। सो ऐसी हेयरिंग को हम कहेंगे कि द पर्सन इज़ फंक्शनली हेयरिंग लॉस, यानी कि वो सुन सकता है लेकिन वो सुनना चाहता नहीं है फॉर सम रीज़न व्हाट्सएवर। हेयरिंग इम्पेयरमेंट को नापा कैसे जाए, मैयर कैसे किया जाए? तो जो प्रोफेशनल है वो ऑडियोलॉजिस्ट कहलाता है जो ये काम करता है। जिस तरीके से या जिस डिवाइस के साथ हेयरिंग मैयर की जाते हैं उसे ऑडियोमीटर कहते हैं। इस प्रोसेस को ऑडियोमेट्री कहते हैं और ऑडियोग्राम के ऊपर इसकी रिपोर्टिंग की जाती है। तो ऑडियोमेट्री जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ऑडियोमीटर्स का इस्तेमाल करता है ऑडियोलॉजिस्ट और ऑडियोग्राम्स के ऊपर जो है वो हमें रिपोर्ट्स डिस्प्ले करता है। और इसके अलावा इसकी एक क्लासिफिकेशन, इसके अंदर एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि प्री लिंगुअल या पोस्ट लिंगुअल डेफनेस कहलाता है। अब उसका ताल्लुक एज के साथ है। अर्लियर एजेस में चूंकि लैंग्वेज डेवलप हो रही होती है, लिहाजा अगर उस वक्त हेयरिंग लॉस हो जाएगा तो बच्चे की लैंग्वेज जो है वो अफेक्ट होगी। जबकि पोस्ट लिंगुअल के केसेस में लैंग्वेज तो डेवलप हो चुकी है, यानी कि बच्चे की लैंग्वेज एक्वायर करने की उम्र तो गुजर चुकी है, उसकी लैंग्वेज डेवलप हो चुकी है। अब अगर उसको हेयरिंग लॉस हो जाता है तो उसकी लैंग्वेज को इस कदर इम्पैक्ट नहीं करेगा। डेसिबल लेवल ऑफ कॉमन साउंड्स, ये एक चार्ट आपको नज़र आ रहा है जिसके अंदर डेसिबल लेवल्स, मैंने गालबन आपसे पहले भी शेयर किया था कि डेसिबल्स इज़ अ यूनिट ऑफ साउंड प्रेशर। तो जो आम रोज़मर्रा की आवाज़ें हैं अगर उनको देखा जाए तो वो कितनी लाउड होती हैं, इसका कुछ एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने नज़र आ रही है। इस चार्ट को अगर आप गौर से देखें तो देर आर सम पेनफुल एक्सपीरियंसेस फॉर इंडिविजुअल्स, इसको हम थ्रेशोल्ड ऑफ पेन भी कहते हैं। जबकि फेंट आवाज़ें लोअर साइड पे आप देखें तो ये वो आवाज़ें हैं जो कि बहुत सारे लोगों के लिए थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग कहलाती हैं। तो फेंट से लेकर पेनफुल एक्सपीरियंस तक आवाज़ें अपने डेसिबल्स में इंक्रीज़ करती रहती हैं। फॉर एग्जांपल अ फेंट साउंड इज़ 30 डेसिबल, जैसे कोई शख्स विस्पर करता है या लाइब्रेरी में जो खामोशी है, इस वक्त जो खामोशी महसूस कर रहे हैं आप लोग मेरी सराउंडिंग में, दैट इज़ बिकॉज यहाँ पर 30 डेसिबल या इससे कम तर आवाज़ें जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं, इसी वजह से आपको सिर्फ मेरी स्पीच की आवाज़ सुनाई दे रही है। उसके बाद मॉडरेट साउंड है, मॉडरेट लेवल एक ऐसा लेवल होगा जो कि 50 डेसिबल्स और 40 डेसिबल्स के दरमियान होगा। वेरी लाउड अलार्म क्लॉक की आवाज़, ट्रैफिक की आवाज़, कन्वर्सेशन की आवाज़, तो नॉर्मल स्पीच जो की जाती है अमंग टू इंडिविजुअल्स दैट इज़ अराउंड 60 डेसिबल्स। तो ये इसको हम इस कैटेगरी में लेते हैं। इसके अलावा जब एक्सपीरियंस थोड़ा और लाउड हो जाए, जो कि एक्सट्रीमली लाउड की कैटेगरी में चला जाता है, तो उसके अंदर रॉक म्यूज़िक भी आ जाता है, लॉन मूवर्स भी आ जाते हैं या ड्रिल मशीन की आवाज़, दीज आर लाउड साउंड्स। और इन एक्सट्रीमली लाउड साउंड्स के बाद एक ऐसी साउंड है जब आप मजबूर हो जाते हैं अपने कानों पर हाथ रखने के लिए अमूमन, जैसे कि जैसे आपके सर से जब एक जेट प्लेन गुजरता है तो एज अ रिफ्लेक्स आपके हाथ अपने कानों की तरफ चले जाते हैं, बिकॉज दैट एक्सपीरियंस इज कॉजिंग पेन इन योर ईयर्स। सो इट इज़ अ चार्ट वेयर यू कैन फाइंड के कुछ आवाज़ों के कुछ डेसिबल लेवल्स आपको मैंशन किए गए हैं, जस्ट फॉर द सेक कि आपको पता चल जाए कि आवाज़ के अंदर जैसे जैसे लाउडनेस में इंक्रीज होती है तो उस साउंड की कैटेगरी जो है वो मॉडरेट से लाउडर और लाउडर से वेरी लाउड और पेनफुल की तरफ चली जाती है। कुछ कॉन्सेप्ट्स का हमें यहाँ पर पता होना चाहिए, वो ये कि द फर्स्ट स्कूल हिस्ट्री के बारे में अगर इसको रिलेट किया जाए तो 1817 के अंदर ये पहला एक स्कूल जो था वो डेफ बच्चों के लिए बनाया गया था 1817 में, जबकि 1864 के अंदर एक यूनिवर्सिटी जो कि आज भी एग्जिस्ट करती है अमेरिका के अंदर, सो इट इज़ गैलेडट यूनिवर्सिटी, और ये यूनिवर्सिटी जो है ये इट हैज़ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉर हेयरिंग इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स। कम्युनिकेशन के तरीके हमें पता होने चाहिए डेफ बच्चों के साथ, वन इज़ मैनुअल, द अदर इज़ ओरल, एंड द थर्ड वन इज़ टोटल कम्युनिकेशन। मैनुअल से मुराद ये है कि आपने ओरल कम्युनिकेशन नहीं करनी, यानी मुंह से नहीं बोलना बल्कि मैनुअली, जैसे कि साइन लैंग्वेज है, जैसे कि फिंगर स्पेलिंग्स हैं,
इस तरीके से आप मैनुअली कम्युनिकेट करें। ओरल से मुराद ये है कि आप अपनी बाकी मानदा या रेजिडुअल हेयरिंग का इस्तेमाल करते हुए स्पीच को रीइन्फोर्स करें और कोशिश करें कि इस तरीके से बोला जाए। और सबसे आखिर में लिखा हुआ टोटल कम्युनिकेशन, ये एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर दोनों ऊपर वाले तरीकों का इस्तेफादा किया जाता है कि मैनुअल भी हो और ओरल कम्युनिकेशन भी हो। यूजुअली एज़ वी स्पीक टू ईच अदर, हम भी जब आपस में एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो हम टोटल कम्युनिकेशन का ही सहारा लेते हैं। एक्सप्रेशंस हैं, जेस्चर्स हैं, साइंस हैं, जब किसी को नहीं समझ आती तो उसको लिख के भी बता देते हैं एक दूसरे को। सो बिकॉज वी आर ट्राइंग कि हमारा कम्युनिकेशन जो है वो अच्छे से अच्छी हो और कोई हमारे दरमियान कोई लूप होल ना रह जाए जिसकी हमारी बात कम्युनिकेट करने में मुश्किल हो। तो कम्युनिकेशन के ये तीन तरीके अडॉप्ट किए जा सकते हैं, जो कि अगेन इट इज़ द इट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस, इट डिपेंड्स अपॉन द लाइकनेस ऑफ द पर्सन, ईज ऑफ द टीचर, और ये भी आपने देखना है कि वो बच्चा जो है उसको किस कदर हेयरिंग लॉस है और उसको कौन से हेयरिंग एड्स वगैरह लगे हैं, तो उसके मुताबिक आप उसकी डिग्री और डेफनेस को देखते हुए आप इनमें से कोई तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए, ये एक चार्ट है जिसके अंदर हेयरिंग इम्पेयरमेंट की प्रिवेलेंस बताई गई है। अगर आप इस चार्ट को गौर से देखें तो आपको नज़र आएगा कि सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है वो 65 एंड ओल्डर, तकरीबन अमेरिका के अंदर 30% लोग ऐसे हैं जिनको जिनकी उम्र 65 या उससे अबव है। तकरीबन 15% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्रें 55 से 64 तक, और कुछ ऐसे लोग हैं अगर इसके बॉटम साइड पे आ जाए तो 3 से 17 साल वाले भी उन बच्चे हैं जिनको के हेयरिंग लॉस जो है वो आपको नज़र आता है। अब यहाँ पर जो देखने वाली चीज़ है, अभी हमने एक लफ्ज़ पढ़ा था प्रेसबायक्यूसिस, तो प्रेसबायक्यूसिस से मुराद क्या होती है कि विद द इंक्रीज इन एज, उम्र के बढ़ने के साथ साथ हेयरिंग लॉस भी जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो आप अगर इसको गौर से देखें तो यू विल सी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है हेयरिंग लॉस भी बढ़ता चला जा रहा है। तो दिस इज़ अगेन अ गुड डायग्राम जो कि एज के साथ इसको रिलेट करके आपको बता रही है, और ये आपका इंसिडेंस है, प्रिवेलेंस है जो कि डेफनेस का इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आपको मिल रहा है। अगर ईटियोलॉजी की बात करें कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट होती क्यों है, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर लीडिंग टू दिस इम्पेयरमेंट, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, इन्फेक्शंस हैं, डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, इन्वायरमेंट है। अगर जीन्स की बात की जाए तो अगेन हमने पहले भी इसका जिक्र किया था कि इनहेरिटेंस में भी आ सकती है डेफनेस, जिसका ताल्लुक रिसेसिव और डोमिनेंट जीन्स के साथ हुआ करता है। एक्सलिंग फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो कि जेनेटिक हेयरिंग लॉस का एक रीज़न है। इसके अलावा ये तो हो गया जो कि कंजेनिटल हेयरिंग लॉस था। बिल्कुल इसी तरीके से बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर बर्थ बाज़ूकात इन्फेक्शंस हो जाती हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, बिफोर द चाइल्ड इज़ बॉर्न एंड सून आफ्टर द चाइल्ड इज़ बॉर्न, तो उसके नतीजे में बाज़ूकात हमारी जो हेयरिंग एबिलिटीज़ हैं, जो हेयरिंग नर्व है वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व, वो डैमेज हो सकती है, ब्रेन को कोई प्रॉब्लम हो सकती है इन्फेक्शन के, मेनिनजाइटिस के नतीजे में। सो यू मे ऑल्सो सफ़र फ्राम हेयरिंग लॉस ड्यू टू इन्फेक्शंस। उसके बाद डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, कुछ ऐसी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जिनका ताल्लुक अगेन कंजेनिटल रीजंस के साथ है। फॉर एग्जांपल विद डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट, आपकी डेवलपमेंट के अंदर कोई ऐसे एलिमेंट्स मौजूद थे, फॉर एग्जांपल यू हैव गॉट क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मेलिटीज़, कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी है कि आपका जो क्रेनियम, जो आपका मुंह, सर और मुंह का जो रीजन है, उसके अंदर कोई कंजेनिटल डिफॉर्मिटी रह गई है जिसकी वजह से आपके अंदर कॉकलिया सही तरह नहीं बन सकता या नर्व नहीं बन सकी, आउटर मिडल ईयर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ, तो फेशियल और क्रेनियोफेशियल जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे पास चीज़ नज़र आ रही है वो लिखा हुआ इन्वायरमेंटल या ट्रोमेटिक एक्सपीरियंसेस, एक्सपोजर टू लाउड साउंड इज़ अगेन वन ऑफ द मेजर रीजन्स जिसकी वजह से हेयरिंग लॉस वक्त के साथ साथ डिवेलप होता चला जाता है। आजकल के दौर में अगर देखा जाए तो ये हमारे कानों के अंदर जो हेडफोन्स है बड़ी इंपॉर्टेंट एक सोर्स है। इसके अलावा जो लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो लोग शोर शराबे वाली जगह पे काम करते हैं, उनके अंदर ये टेंडेंसी बढ़ जाती है कि उनका हेयरिंग लॉस जो है वो डिवेलप तेज़ी से होना शुरू हो जाता है।
तो ये इन्वायरमेंटल रीजंस है, जो लोग ड्रिलिंग का काम ज़्यादा करते हैं, जो लोग हथौड़े का काम बहुत ज़्यादा करते हैं, या जंग के दौरान फौजी हज़रात जो गन्स के साथ जब शूट करते हैं तो एक इट हैज़ अ लाउड साउंड। और वो इसीलिए आपने देखा होगा कि लोग जब ये फायरिंग रेंज में जाते हैं तो उन्होंने हेड गेयर्स बनाए होते हैं, यानी कि अपने कानों को कवर करके रखा होता है ताकि आवाज़ का इम्पैक्ट जो है वो कम हो सके। सो ये भी एक फैक्टर्स है। तो टू सम इट अप, जेनेटिक रीजंस हैं, इन्फेक्शंस हैं, डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। इस स्लाइड के अंदर आई होप यू कैन रीड इट एज़ वेल, हेयरिंग लॉस बच्चों का जो है उसको लिंक किया गया है सर्टेन कंडीशन के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल CMV, साइटोमेगालो वायरस। अब साइटोमेगालो वायरस जो है इसकी अपनी अकरेंस अगर आप देखें तो 1 in 1000 है, लेकिन ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि एक ऐसी डिजीज़ है जो कि हमारे बच्चे को अब उसकी माँ से पोस्ट नेटली एक्वायर होती है और इसके नतीजे में बच्चे को हेयरिंग लॉस हो सकता है। डाउन सिंड्रोम एक अगेन इट्स जेनेटिक कंडीशन जिसके अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से बच्चे के अंदर हेयरिंग जो है वो डेफिसिट हो सकता है। तो डाउन सिंड्रोम हालांकि ये एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की डेफिनेशन में आता है, लेकिन बाज़ औक़ात इसके साथ हेयरिंग लॉस जो है वो पाइल अप हो जाता है, जिसके नतीजे में बच्चा जो है वो बैक वक्त डाउन सिंड्रोम भी होता है और डेफ भी हो सकता है। मेनिनजाइटिस, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स छोटे बच्चों के अंदर, बाज़ औक़ात जो न्योनेटली जो पैदाइश के फ़ौरन बाद बाज़ औक़ात वायरस या बैक्टीरिया की वजह से बच्चे को गर्दन तोड़ बुखार का आपने सुना होगा, उसके नतीजे में कुछ वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व बजाते खुद डैमेज हो सकती है, या ब्रेन के कुछ सिग्निफिकेंट पार्ट्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, जिसके नतीजे में एक बच्चा जो है माइल्ड प्रोफाउंड या सवियर डिग्री की हेयरिंग लॉस जो है वो उसका शिकार हो सकता है। इसके अलावा ऑटोटॉक्सिटी, बाज़ मेडिसन्स हैं, उशर सिंड्रोम अगेन एक सिंड्रोम का जिक्र किया जाता है। तो ये कुछ बाज़ औक़ात आपको पता होना चाहिए कि हेयरिंग लॉस मेजर रीज़न नहीं होता, बल्कि वो किसी और चीज़ के साथ, किसी और कंडीशन के साथ, जैसे अभी हमने जिक्र किया डाउन सिंड्रोम, जैसे हमने जिक्र किया उशर सिंड्रोम, वार्डनबर्ग सिंड्रोम, ये सारे के सारे सिंड्रोम्स के साथ इनकी आइडेंटिफिकेशन ही ये है कि कोई और कंडीशन भी है साथ हेयरिंग लॉस भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब डाउन्स का जिक्र किया गया तो उसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम भी पाया जाता था और साथ हेयरिंग लॉस भी हो सकता था। उशर के अंदर एक ऑटोसोमल रिसेसिव जीन है जिसकी वजह से 6 से 12% बच्चे जो है वो कंजेनिटली डेफ पैदा होते हैं, और इसी तरीके से ऑटोसोमल हेरिडिटी डोमिनेंट जीन है जो कि वार्डनबर्ग सिंड्रोम कहलाता है, उसके अंदर भी ऐसा ही है कि बच्चे जो हैं वो हेयरिंग लॉस के साथ पैदा हो सकते हैं, जो कि रेंज करते हैं माइल्ड से लेकर और सीवियर सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस तक। अब ये जो बच्चे हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ पैदा होते हैं, दे इनकी ज़रा इंटेलिजेंस, स्पीच और लैंग्वेज, सोशल डेवलपमेंट और एजुकेशन का जिक्र अगर करें तो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ अगर आपको याद हो तो हमारे यहाँ कॉग्निशन रिलेट टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोराइजेशन, लैंग्वेज, रीडिंग राइटिंग एबिलिटीज़ एक्सेट्रा। तो ये जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, इसी से आपकी इंटेलिजेंस मैयर की जाती है। तो बाज़ औक़ात हमारे ये बच्चे अदरवाइज़ तो लैंग्वेज एरिया के अलावा अदरवाइज़ दे आर वंडरफुल, लेकिन जब लैंग्वेज एरिया के जिक्र आता है तो वहाँ पर ये इनके अंदर एक डेफिसिट जो है वो नेचुरली रह जाता है, जिसकी वजह ये है कि ये लैंग्वेज को उस तरीके से फेस नहीं कर पाए जैसे कि एक हेयरिंग इंडिविजुअल करता है। इसको यूँ समझिए कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट इज़ अ चैलेंज जो कि लैंग्वेज को डेंट करता है। सो हेयरिंग डिसऑर्डर्स आर बेसिकली अ रिप्रेजेंटेशन जिसके नतीजे में एक बच्चा जो है वो लैंग्वेज डेफिसिट्स का शिकार हो जाता है, रिसेप्टिव या एक्सप्रेसिव फॉर्म के अंदर। स्पीच और लैंग्वेज डेफिनेटली उसकी इफेक्ट होती है, स्पीच से मुराद एक्सप्रेसिव फॉर्म, जैसे आप अभी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, और लैंग्वेजेस आप लैंग्वेज के ज़रिए मेरी बात को समझ रहे हैं, तो मेरी बात करना जो है वो स्पीच उसमें भी है, लैंग्वेज उसमें भी है, और आप सुन रहे हैं हेयरिंग की वजह से और अपनी लैंग्वेज रिसेप्टिव लैंग्वेज की वजह से।